गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, बच्चों आपकी हिंदी की क्लास है। तो हिंदी में आज हमें पढ़ना है स्वर। तो स्वर बच्चों क्या होता है? अ से अह तक स्वर होता है आपका। तो यहाँ पर आपको स्वर लिखना है। चलिए लिखिए, छोटा से अनार, बड़ा से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख, छोटा उसे उल्लू, बड़ा उसे ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, अ से औरत, अंग से अंगूर, अह माने कुछ नहीं। तो ये बच्चों अच्छे से इसको लर्न करिएगा। बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थान भरिए। तो आपको यहाँ पर रिक्त स्थान में भरना है व्यंजन। तो चलिए भरिए, का लिखा हुआ है, जो ब्लैंक जगह है, खाली जगह है, वहाँ पे आपको व्यंजन भरना है। क से ज्ञ तक है, इसमें जो खाली स्थान है वहाँ पे आपको व्यंजन पढ़ते हुए भरना है क्रम से। तो चलिए देखिए, क लिखा हुआ है, क के बाद आपको ख लिखना है, का ख, फिर ग, फिर घ, फिर अंग आ गया आपका, फिर उसके बाद च, छ, ज लिखा हुआ है, च, छ, ज, झ, इया, फिर ट, ठ, ड, ढ, अड़, फिर ता, थ, द, ध, न, फिर पा लिखा हुआ है, तो आपको लिखना है पा, पा लिखा है, फ, ब, भ, म, यहाँ पे य, र, फिर ल, व, श, ख, श, ह, छ, त्रंग, तो इस तरह से आपको क्रम से पढ़ते हुए यहाँ पर व्यंजन भरना है और अच्छे से लर्न करिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है बच्चों, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त अक्षरों की संख्या कितनी होती है, उन वर्णों को लिखिए। तो बच्चों हमने बताया था आपको हिंदी वर्णमाला में संयुक्त अक्षरों की संख्या कितनी होती है, बताइए आप लोग। चार होती है। कौन कौन सी होती है, कौन कौन से अक्षर होते हैं संयुक्त अक्षर बच्चों? छ, त्रंग, ज्ञ और स्र। तो यहाँ पे आपको छ, त्रंग, ज्ञ और स्र लिखना है। संयुक्त अक्षरों की संख्या चार होती है। कौन कौन से होते हैं बच्चों? छ, त्रंग, ज्ञ और स्र। बच्चों ये आपको लर्न करना है, प्रैक्टिस करना है। ये आपका रिवीजन टेस्ट पेपर है। थैंक यू।